नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। आप सभी को पता ही है कि POI स्विच का सीरीज चल रहा है और आज हम लोग बात करने वाले हैं मैनेज्ड और अनमैनेज्ड POI स्विच के बारे में। यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में कई लोगों को कंफ्यूजन आज भी है। मैं इन शॉर्ट में साधारण भाषा में समझाने की कोशिश आपको करूँगा ताकि आप आसानी से समझ सकें। अगर नए मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, मैनेज POI स्विच और अनमैनेज POI स्विच, नाम से ही बहुत कुछ अंदाज आपको लग जाता होगा, बट मैं डिटेल में आपको बताता हूं। मैनेज स्विच में आप नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे एक पोर्ट को कितना पावर चाहिए, दूसरे पोर्ट को कितना पावर चाहिए, ये सारी चीजें आप खुद से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट एंड मैनेज POI स्विच में कुछ नहीं कर सकते आप, कंपनी से जो बनकर आता है, जो कंट्रोल बनकर आता है कंपनी से, उसे ही आपको यूज करना होगा। आप सिर्फ इसमें प्लग एंड प्ले कर सकते हैं, पावर ऑन और ऑफ कर सकते हैं, यहीं पर आपका काम रहता है, बाकी कोई कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं कर सकते हैं अनमैनेज POI स्विच में। मैनेज POI स्विच में जो ट्रैफिक होता है उसे कंट्रोल किया जा सकता है, साथ ही अगर नेटवर्क ब्रीच कहीं पर हो तो उसका अलर्ट आपको मिल जाता है, उसका सिग्नल आपको मिल जाता है। बट फिर वही बात, अनमैनेज POI स्विच में ऐसा कोई एडवांस फंक्शन आपको देखने को नहीं मिलता। एक और बात, मैनेज POI स्विच में जो फॉल्ट होता है उसे मैनेज POI स्विच ढूंढ लेता है और उसे डायग्नोस करने के बाद उसे सॉल्व भी कर देता है, बट अनमैनेज POI स्विच में ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती। साथ ही और भी कई तरह के फीचर्स हैं मैनेज POI स्विच में, यह काफ़ी सिक्योर होता है। मैनेज POI स्विच काफ़ी सिक्योर होता है, खासकर बैंक वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अगर मॉल हो, हॉस्पिटल हो, इन सभी जगहों पर यूज़ होता है। यह काफ़ी सिक्योर होता है, जो यूज़र नेटवर्क और इंट्रूडर्स पर जो है लगाम लगाता है और अपने हिसाब से यह तय करता है कि बाहरी कोई भी अनवांटेड जो है पोर्ट में अपना लैन वायर डालकर जो है एक्सेस ना ले सके, तो इस हिसाब से काफ़ी सुरक्षित होता है, सिक्योर्ड होता है। तो ऐसी जगहों पर आप मैनेज POI स्विच आप लगा सकते हैं जहां पर सिक्योरिटी के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं। अगर आप अनमैनेज में आते हैं तो ये सिंपल अनमैनेज है, यहाँ पर अगर एक पोर्ट खाली है वहाँ पर कोई दूसरा इथरनेट वायर डालकर अपने लैपटॉप में एक्सेस ले सकता है, वो समझ सकता है, सारी चीज़ों को वो देख सकता है। बट हैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैनेज POI स्विच जो है सिक्योरिटी पर्पज से काफ़ी जो है रिलेवेंट होता है और उसी चीज़ के लिए ये बनाया भी गया है, तो मैनेज POI स्विच सिक्योरिटी पर्पज से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अब बात आती है कि CCTV कैमरे सेक्टर में कि आप क्या करें। CCTV सिक्योरिटी कैमरा आप लगा रहे हैं तो ऐसे में कितने कैमरे तक आप मैनेज POI स्विच लगाएं या फिर अनमैनेज POI स्विच का यूज़ करें। तो देखिए, अगर आप 1 से 20 कैमरे तक आप जो है यूज़ कर रहे हैं, यानी 20 IP कैमरा है आपका, तो आप अनमैनेज POI स्विच को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है अनमैनेज POI स्विच को यूज़ करना, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 20 से अगर आपका 80 कैमरा तक, याद रखिएगा 20 से आपका 80 कैमरे तक का IP कैमरा है, तो ऐसी स्थिति में भी अनमैनेज POI स्विच को यूज कर सकते हैं और मैनेज POI स्विच को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा कैमरे आप लगा रहे हैं एक जगह पर, तो कहीं पर भी अनमैनेज स्विच आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। आप अनमैनेज स्विच को यूज़ ना करें, मैनेज स्विच को यूज़ करें अगर 100 कैमरे से ऊपर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो, क्योंकि वहाँ पर मैनेज POI स्विच आपको जो है सपोर्ट करेगा, क्योंकि मैनेज POI स्विच किसी भी पोर्ट पर प्रॉब्लम होती है तो वो आपको इंडिकेट करके बता देता है और उसे सॉल्व भी करता है, उस प्रॉब्लम को ठीक भी करता है, तो मैनेज POI स्विच ज़्यादा बेहतर है। हाँ, एक दिक्कत है मैनेज POI स्विच को यूज करने में कि अगर आपको टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं है, हल्की फुल्की उतनी जानकारी नहीं है, तो मैनेज POI स्विच को आप कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे। आप उस स्थिति में अनमैनेज POI स्विच में ही जाएं, क्योंकि अनमैनेज POI स्विच में सिर्फ प्लग एंड प्ले ऑप्शन है, स्विच ऑन कीजिए और आपका काम हो जाता है, बाकी चीज़ें अनमैनेज POI स्विच में कॉन्फ़िगर नहीं करनी पड़ती। बट मैनेज POI स्विच के लिए तो टेक्निकल स्किल चाहिए। तो इस तरह से मैनेज और अनमैनेज POI स्विच को आप समझ सकते हैं और इतना ही आप समझिए CCTV सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज के लिए ये बेहतर है और इतना ही डिफरेंस है। बाकी और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो फिलहाल आप नहीं समझे तो बेहतर है, बट इतना डिफरेंस जो है काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए समझना। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।